जब तक ये सहमति नहीं बनेगी, जब तक पोस्टमार्टम नहीं किया जाएगा और दाह संस्कार भी नहीं किया जाएगा। लोग उम्मीदाबाद में करंट लगने से संविदा कर्मी की मौत के मामले में परिजनों ने शव उठाने से किया इनकार। विद्युत घर के आगे बैठे धरने पर सायला पंचायत समिति क्षेत्र के उम्मीदाबाद में करंट लगने से सोमवार शाम को एक विद्युत विभाग में लगे संविदा पर कार्मिक की मौत हो गई थी। आपको बता दें कि मंगनाराम पुत्र हीराराम जाति मेघवाल उम्र 26 साल विद्युत घर में संविदा कार्मिक लगा हुआ था। वहीं विद्युत पोल पर कार्य करते समय अचानक करंट लगने से उसकी मौत हो गई थी। मामले को लेकर परिजनों ने मंगलवार सुबह उम्मीदाबाद विद्युत घर के सामने धरना देकर विभिन्न मांगों को लेकर शव उठाने से इनकार कर दिया। परिजनों की मांग है कि परिवार में एक जने को नौकरी, 50 लाख का मुआवजा, वहीं दोषी कार्मिक को बर्खास्त करने की मांग पर अड़े हुए हैं। जब तक ये मांगें पूरी नहीं होती हैं तब तक शव को न उठाया जाएगा व न ही PM करवाया जाएगा। मामले को लेकर पूर्व विधायक रामलाल मेघवाल व विद्युत विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे व समझाइश कर रहे थे। ऐसा है, ये मामला कल शाम को 7 बजे का टाइम है, यहाँ कोई ठेकेदार है, उसके वहाँ 33 KV का वो काम कर रहा है। उस लड़के को लेकर के जाइए नहीं है शमशान के वहाँ कोई फोल निकालने के लिए गए, बिना सीडाउन लिए उनको ऊपर चढ़ाया और करंट आते ही वो गिर गया, गिरते ही उनका सिर फूट गया और शरीर जल गया। और उसके अलावा और लापरवाही, इन्होंने बिना इतला दिए परिवार को लेकर के जालोर गए। कोई बात नहीं, जालोर बचाने के लिए लेके गए, लेकिन परिवार को मैसेज करना था, बिना मैसेज किए चले गए। उसके बाद वो मौत घोषित किया डॉक्टरों ने, ऐसे ही लाश छोड़ करके वो वापस आ गए। परिवार को पता लगा, परिवार वाले को गए। अब ग्रामीण वाले और परिवार वाले मांग रखी है हमको, कहा भाई सरकार है कि जो गुनेगार है उनको सस्पेंड किया जाए और सरकार की तरफ से या बिजली विभाग की तरफ से इनको 50 लाख रुपए मुआवजा और एक इन परिवार के बच्चों को नौकरी। ये पूरे 37 को जाम बड़ा मांगे और इसमें हम भी शामिल हैं। ये अगर कोई बात बैठती है नहीं तो जब तक ये सहमति नहीं बनेगी, जब तक पोस्टमार्टम नहीं किया जाएगा और दाह संस्कार भी नहीं किया जाएगा। लोग जाने पड़ेगा।